नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क। सीतामढ़ी जिला के पुपरी थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव में जमीन विवाद के एक महिला को चाकू गोद कर लहूलुहान करने का मामला सामने आया है। घटना सोमवार के दिन 11 बजे की बताई जा रही है। घटना के वक्त पीड़िता चंचल देवी के पति घर पर मौजूद नहीं थे। चंचल देवी ने बताया कि उनकी जमीन पर घर जबरन बनाने जा रहे थे, रोकने का प्रयास किया तो उन्हें जानलेवा हमला कर दिया था। इसके साथ रुपए और सोने की कीमती सामान भी छीन लिया। जख्मी महिला के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता चंचल देवी ने पुपरी थाने में आवेदन देकर करीब आधे दर्जन लोगों को आरोपी बनाया गया। पीड़िता महिला ने बताया कि जमीन उनकी है जिस पर जबरन घर बनाया जा रहा था। विरोध करने के बाद जानलेवा हमला किया गया। तिरहुत लाइव संवाददाता मोना पटेल की रिपोर्ट। बने रहिए तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क के साथ। क्या है मामला? मेरे घर में वहाँ झूठा केस करके सबको भगा दिया था। कौन भगा दिया? दिलीप ठाकुर। क्या पहले से विवाद चल रहा था? पहले से चल रहा था। किस मामला को लेकर के? जमीन। क्या जमीन पे क्या हुआ था? मेरे जमीन पर वो घर बना रहे। मैं तो वही रोकने गई थी, मेरे जमीन पर क्यों घर बना रहे हैं? अच्छा, तो मारपीट उन लोगों ने शुरू कर दी है। मुझे अकेला पाके मारपीट, मेरे घर में तो कोई है नहीं, मैं तो अकेली हूँ वहाँ। मौसम देवी, बॉबी देवी दोनों आई कमरे से और इसके बाद मेरे पीछे से बाल पकड़ के और चैन छीन के भाग गई। और दिलीप ठाकुर ने मेरे चाकू से बात किया यहाँ, और मैं अपने आप को छोड़ा रही, मैं तो अकेली हूँ वहाँ। और पंकज ठाकुर ने आके मेरे साथ बदतमीजी भी करने लगे। और वहाँ 3 लोग और थे जिनको मैं जानती नहीं हूँ, अज्ञात व्यक्ति थे। जी सर। थाने पे आवेदन दिए हैं? जी सर। क्या कही है पुलिस? पुलिस सीधे आवेदन ले लिए और अब तक बोले जो शाम को आके इंक्वायरी करूँगा, लेकिन अब तक आए नहीं। प्रशासन अभी तक नहीं आई? नहीं आई। क्या नाम हुआ आपका? चंचल देवी। घर? हाँ। थाना? चला था, इस पे क्या कहना है? कोई भी चल रहा था तो इसके कारण जो मेरे घर में सब पर केस करके सबको भगा दिया। और जब घर बना रहा था मेरे जमीन पे तो मैं रोकने गई, अकेला पाके उन सब लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया और बस रुकी किया। घर पे कोई नहीं था? कोई नहीं, मैं अकेली थी।